नमस्ते, मैं जलवा बाबरिया लोक सम्मान न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूं। देखते हैं आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद और चुनौतियां, दिनांक 5 नवंबर रविवार शाम 6:30 बजे ओडिशा पश्चिम प्रांत राउरकेला में सनातन धर्म एवं राष्ट्रीय हितार्थ युवा जागरूक करने वाले संघ के महान व्यक्तित्व श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भारत के विभिन्न क्षेत्र में प्रवास के अंतर्गत राउरकेला प्रवास किए। यह कार्यक्रम राउरकेला अग्रसेन भवन में निश्चित किया गया, जिसमें पुष्पेंद्र जी युवाओं को जागरूक हेतु बहुत से बातें बोले। इसके उपरांत राउरकेला सनातनी धर्म के कार्यकर्ता भाइयों ने श्रीमान पुष्पेंद्र जी से मिल के अभिवादन व्यक्त किया। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं पूरे देश भर में जहाँ तक मेरी क्षमता है, जहाँ लोग मुझे बुलाते हैं, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो तत्कालिक होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। भारत के सनातनी समाज को सक्सेसिव सरकारों ने मूर्ख बनाया और उनके चुने हुए नुमाइंदों ने भी उन मुद्दों को कभी नहीं उठाया। इसमें सब शामिल है, इसलिए मेरे इस सफर में वो मुद्दे जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, ये सच्चर कमीशन, अगर भारत का संविधान लिखित रूप में उसके प्रीएम्बल में ये लिख दिया गया है कि भारत का संविधान सेकुलर है, यानी भारत के संविधान का कोई मजहब नहीं है, सबके लिए बराबर है, फिर इस संविधान के अंदर धारा 25 से 30 क्यों है? और ये जब लिखा गया था उस वक्त ये शब्द नहीं आए थे, ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो है 1976 में आया। अब अगर आ भी गया है तो फिर इस देश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, सच्चर कमीशन, मुस्लिम बोर्ड, ये तो एक तरीके से आप संविधान की जो आत्मा है, जो प्रीएम्बल है, उसको सरकारें रौंद रही हैं। भारत के संविधान में कहीं मेजॉरिटी शब्द नहीं है। भारत के संविधान में ज़्यादातर सीखें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। इसी संविधान में धारा 1860 का पुलिस कानून चल रहा है, इसी संविधान के तहत 1861 का एविडेंस कानून आज भी चल रहा है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, न कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, क्योंकि अगर आज़ादी मिली होती तो संविधान को हम तय करते कि संविधान कैसा बनेगा। हमने पावर ऑफ ट्रांसफ़र के तहत सारी वही परंपराएं रखी हैं, सारा वही निज़ाम रखा है, सिर्फ हमारे यहाँ अब गद्दी पे कुछ हिंदू, हमारे कुछ काले और कुछ गोरे हिंदुस्तानी बैठ गए। अगर इस देश के राष्ट्र की सनातन संस्कृति को बचाना है तो उन मुद्दों को उठाइए जिसका सौदा भारत के नेताओं ने मिलकर के संसद में कर दिया है, जो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के हाथ पास में आज तक जितनी भी ज़मीन है वो भारत की तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर की ज़मीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर की डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये एक ऐसा कानून है जो किसी शरीयत में भी नहीं हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा लगता है कि भारत एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है, जहाँ मुसलमान होने पर दंगा करने की भी छूट है, लूटने की भी छूट है, मारने की भी छूट है, और सेकुलरिज्म की सारी दुहाई हिंदुस्तान के सनातनी हिंदू की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ, देखते रहे लोक सामना न्यूज़।